हेलो दोस्तों, मैं से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो हमारे पूरे देशवासियों के लिए है जो कि अभी अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश आज रात 12 बजे से लॉकडाउन होगा। पीएम मोदी के द्वारा 21 दिन के लिए ये लॉकडाउन घोषित किया गया है जो कि 14 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगा। इसमें क्या क्या खुला रहेगा और किस किस का सेवाएं जारी रहेंगे और क्या क्या बंद रहेगा और इसमें से आपको क्या चीज को लेने के लिए मार्केट में आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, वो मैं लेके आया हूं। तो आप अच्छे से देखें और बेफजूल का बाजार ना निकले, घर में रहें ताकि ये कोरोना वायरस एंड कोविड-19 से लड़ा जा सके। तो आइए मैं बताता हूं आप लोगों को सबसे पहले कि इन द्रव्यमान 21 दिनों के अंदर जो 14 अप्रैल तक हमें रहना है घर में, लॉकडाउन जो देश है इसमें क्या क्या सेवाएं जारी रहेगी और क्या क्या बंद है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो पहला है दोस्तों, कोई भी दफ्तर हो चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो दफ्तर रहेगा बंद। आपको कहीं भी काम करने जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठना है, घर में रहिए, काम करने आपको नहीं जाना है। दूसरा चीज है दोस्तों, पेट्रोल पंप या राशन की दुकानें या दूध या डेयरी लेना आपको, मेडिकल स्टोर, ये सभी खुले रहेंगे दोस्तों। पुलिस स्टेशन हो, मीडिया हो, न्यूज़पेपर लेते हैं या फिर आप न्यूज देखते हैं, खुला रहेगा दोस्तों ये सब। बाहर जरूरी चीजों के लिए आप निकल सकते हैं लेकिन बाइक में आते हैं, कार में दो जा सकते हैं ड्राइवर सहित, ठीक है दोस्तों। बाहर निकलने समय आपका आईडी होना बहुत जरूरी है और किस काम से निकल रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है बताना। अगर आप बेफजूल का बाहर निकलते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। प्राइवेट गाड़ी बंद रहेगा लेकिन एक गाड़ी आप ले जा सकते हैं, कब, जब आप बैंक जा रहे हो या एटीएम जा रहे हो तब, या पेट्रोल पंप या राशन लाने जा रहे हो, दूध लाने जा रहे हो, मेडिकल स्टोर जा रहे हो, पुलिस स्टेशन जा रहे हो, तो आप गाड़ी से जा सकते हैं, अदरवाइज प्राइवेट गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। घूमने नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। अगर बैंक जा रहे हो तो अलाउ है, तो बैंक खुली रहेगी, एटीएम खुली रहेगी, इंश्योरेंस की कंपनियां खुली रहेगी दोस्तों, फल सब्जी की दुकानें खुली रहेगी। बेफिजूल का बाहर नहीं जाए, सब्जी लाने हो तो जाए, फल लाना हो तो जाए, कोशिश करें कि एक ही बार में आप 2 से 3-4 दिन का फल सब्जी आ जाए, ठीक है दोस्तों। बिजली चलती रहेगी, गैस की दुकानें खुली होगी, गैस ऑनलाइन होता है, आप बुकिंग कर सकते हैं, आपका घर में आने दे देगा दोस्तों। तो यही है कुछ चीजें जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना है और 14 अप्रैल तक हमें इसका पालन करना है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाइए कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये कितना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले इनके बारे में। थैंक यू दोस्तों।